प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं सिस्टर ज्योति एस्टर प्रार्थना मंडली और COGC चर्च की ओर से भी आपका वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने इस समय मेरे अंदर इस समय एक टॉपिक को डाला और विश्वास करती हूँ इस संदेश के द्वारा और वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे, उसके पाके रूह से आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं समय को ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट मैं टॉपिक पर आती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है संदेश से वो है विश्वास की ढाल लेकर चलते हुए तीरों को बुझा। क्या है विश्वास की ढाल लेकर चलते हुए तीरों को बुझा, ये आज का संदेश का टॉपिक है। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कोई ना कोई नेगेटिव बातों को लेकर आपको तीर मारता है। अगर लोगों की बातें आपको तकलीफ देती है या धराशाही की है तो आज का वर्ड आप ही के लिए है। अगर लोगों का बात आपको बहुत दुख देता है, नेगेटिव बातों से, तनाव से, नामधराई से अगर आपको तकलीफ होती है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन है वो आप ही के लिए है। डिस्करेज करने वाले कभी कभी हमारे अपने ही लोग होते हैं। मेरे प्रियो, कई बार आप अपने घर में देखेंगे जिससे आप ज़्यादा कलीग, जिससे ज़्यादा आप करीब रहते हो, जिससे अपना सुख दुख शेयर करते हो, एक समय वही आपके प्रति इतना नेगेटिव, इतना डिस्करेज वाली बातों को बोलेंगे कि जिसकी आपने कल्पना नहीं करी है। आपके खुद के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके कलीग, आपके मित्र, कलीसिया के लोग, हो सकता है आपका पति, हो सकता है आपका पत्नी, हो सकता है आपका भाई बहन, परिवार का कोई भी सदस्य आपको डिस्करेज करता है, डिस्करेज करने जैसा पूरी बातें को कहता है और हम डिस्करेज में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि किसके द्वारा ज़्यादा आपको तकलीफ हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, शैतान बहुत शातिर होता है, उसको मालूम है कि आपका अटैचमेंट किसके साथ ज़्यादा है और किसके थ्रू आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। आपके जीवन में बहुत बार आपके जीवन में नेगेटिव बोलने वाले लोग, नकारात्मक बोलने वाले लोग, बहुत कोई और बहुत गंदे तरीके से भी बोलने वाले लोग आपके जीवन में आते। कई बार आप सही होते हो लेकिन फिर भी आपके ऊपर ब्लेम पर ब्लेम लगता है, दोष पे दोष लग जाता है। आप दूसरों के लिए अच्छा करना सोचते हो पर हर बार आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। बहुत तरह की बातें, शैतान, मैंने कहा ना शैतान शातिर है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि आपको तकलीफ दे, आपके आपको डिस्करेज करे और आप डिस्करेज होकर प्रार्थना करना छोड़ दो, दुआ करना छोड़ दो, संगति करना छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो। मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा, जब उनको प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिला, प्रार्थना का जो समय दिया गया, जो परमेश्वर ने समय बांधा, उस समय को पूरा ना होते पहले ही लोगों के साथ इतनी सारे डिस्कशंस करके, इतनी सारी बातों को करते हुए डिस्करेज होकर वो चर्च आना बंद कर दिए, संगति में आना बंद कर दिए, प्रार्थना करना बंद कर दिए। मैंने कई के जीवन में देखा, मुझे बड़ा तकलीफ होता है ऐसे लोगों को देखकर कि वो लोग क्यों नहीं परमेश्वर की सच्चाई को जान पा रहे हैं और शैतान की चालों को समझ नहीं पा रहे। ये भी एक कारण है कि हो सकता है कि वो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को देखकर ही खुदा के पास आए, सच्चे खुदावन को जानना ही नहीं चाहे। सच्चा खुदा, जीवित परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। मेरे प्रिय, मैं आप सिस्टर, मैं आपको इनकरेज करते हुए इन वर्डों को कहती हूँ कि जो सच्चे खुदावन को जान लेता है, उसके पाके मोहब्बत को जान लेता है और उसको जानना ही अनंत जीवन है। मेरे प्रिय, कई बार जब शैतान क्या करता है ना, आपके मन को भटकाता है, अरे इतनी दुआएं कर ली, इतनी प्रार्थना कर ली, इतने फास्टिंग कर लिए, अर्ली मॉर्निंग चर्च जा रहे हो, इतनी दुआएं करो, संगति करो, लेकिन
तुम्हारा प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं आ रहा है। और जब हम देखते हैं कि हमारे दुआओं का उत्तर आने में विलंब हो रहा है, तब शैतान हमारे मन में डिस्करेज की बातों को डालता है। वो ऐसे ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाएगा जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, जो आपको दुख देने वाली बातों को बोलेंगे। और बहुत लोग तो क्या करते हैं, नेगेटिव बातों को सुनने के बाद बहुत लोग दुखी हो करके सब कुछ छोड़ देते हैं। बहुत लोगों तो अपनी शादी को लेकर इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बात यहाँ तक डाइवोर्स तक आ जाती है। पर होल्ड ऑन, ऐसा ना करें। शैतान की इन बातों को ही तो आपको समझना है। अपने जीवन में शैतान के नेगेटिव बातों को कभी रिसीव ना करें। आज वचन के द्वारा बताऊंगी मैं लोगों के द्वारा नेगेटिव बातों से आप बच सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में हमें सब कुछ मिलता है। बहुत लोग के जीवन में मैंने देखा, मैंने अपनी सेवकाई के जीवन में बहुतों को देखी कि छोटे-छोटे बातों से इतना डिस्करेज हो जाते हैं, इसकी उसकी बातें करके चर्चा करके नेगेटिव हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा न करे। शैतान तो ताक में रहता है कि वो तुम्हारे घर को बर्बाद करे, तुम्हारे बच्चों का जीवन बर्बाद करे, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे करियर को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को, प्रेयर लाइफ को नष्ट करे। पर होल्ड ऑन मेरे प्रियो, जब तक आप खुदा के साथ संबंध नहीं बनाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे, वचन का हथियार नहीं पकड़ोगे, तब तक आप इन चीज़ों से नहीं लड़ सकते। सिस्टर ज्योति के जीवन में भी कई एक तूफान आते हैं, और आपको पता है कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जैसे मुझे भी लगता कि मैं अब टूट जाऊंगी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर मैंने इतनी तरह से भरा है कि हर सिचुएशंस में वो वचन मेरे जीवन में सामने आ जाते, प्रकट हो जाता, और मैं वचन को और विश्वास की ढाल लेकर चलती हूँ और जलते हुए तीरों का सामना करती हूँ। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ कि आप भी खुदा के कलाम को लेकर चले। आइए वचन में ही देखें, इपिसियों की पत्री अध्याय 6:16 में क्या कहता है संत पौलुस, लिखता है, और इन सब के साथ क्या कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमेन। परमेश्वर का वचन अध्याय 6:16 इपिसियों की पत्री, पौलुस कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल है क्या, इसे भी समझिए। पौलुस कहना चाहता है कि बुद्धि के साथ इन वचनों को समझो। यहाँ पर पौलुस विश्वास की ढाल के साथ कर विश्वास को ढाल के साथ कंपेयर कर रहा है। पौलुस जो है विश्वास को ढाल के साथ कंपेयर कर रहा है। ढाल का काम क्या है, योद्धा जब लड़ाई में ढाल लेकर अपने को बचाता है, जो ढाल पकड़ कर जाता है, बड़ा सा ढाल लेकर जाता है, जब वो युद्ध करता है वो ढाल ही उसको बचाता है, ढाल पूरे शरीर को बचाता है। पौलुस बिल्कुल विश्वास को ढाल के साथ उसी तरह कंपेयर कर रहा है, और वो कहता है विश्वास की ढाल लेकर चलते हुए तीरों का तुम क्या करो, लेकर स्थिर रहो, और तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। तलवार से ज्यादा पौलुस ने ढाल को इम्पोर्टेंट दी, क्योंकि ढाल योद्धा के पूरे शरीर को बचाता है। जब कोई देखते हैं, हम लोग राजा महाराजों की पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो वहाँ जब युद्ध जाते थे तो सैनिक अपने साथ तलवार और ढाल को लेकर जाता है। क्या करता है, ढाल पूरे शरीर को कवर करता है, और सामने वाला जब दुश्मन पार्टी मारता है तो वो अपने ढाल को आगे करके खुद को बचाता है। इसी ढाल को संत पौलुस ने विश्वास के साथ कंपेयर किया। आप अगर विश्वास में हैं, आपका मन, आपकी आत्मा हर सिचुएशन में खुदा पर ईमान रखता है, विश्वास रखता है, तो आप दुष्ट के हर चलते हुए तीरों का सामना कर सकते हैं। चाहे वो आपको कितना भी नेगेटिव चीज़ों को क्यों ना दिखाए, चाहे वो आपको हर बार ये दिखाएगा कि देख तू बीमार है, तू ठीक नहीं हो सकता। शैतान हमेशा यही दिखाएगा, कई बार दिखाएगा कि देख तू इतनी प्रार्थना कर रही है, इतनी दुआ कर रही है, लेकिन तुझे अभी तक बच्चे की आशीष नहीं है। देख तू इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा है, पर लेकिन अभी तक तुम्हारा पति का आने का कोई आसरा नहीं। कई बार दिखाएगा कि तू इतना प्रार्थना कर रहा लेकिन तेरे घर के माली हालत ठीक नहीं। कई प्रकार से वो
हमेशा दिखाएगा कि आपके जीवन में उथल पुथल को दिखाएगा, नेगेटिव चीजों को दिखाएगा। कई बार तो दुष्ट ऐसा भी करेगा कि नेगेटिव लोगों को आपके जीवन में खड़ा कर देगा और आपको ऐसा दुख देगा, ताना मारेगा, इस तरह से शैतान करेगा कि आप डिस्करेज होकर सब कुछ छोड़ दो। पर ऐसा ना करो, क्योंकि पौलुस यहाँ कहता है कि उसका सामना हमें विश्वास की ढाल के साथ करना। आप ध्यान देना, मैं आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, पता है मुझे सबसे ज़्यादा सामिल की पत्री और दानियल की पत्री बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं वहाँ देखती हूँ हन्ना को कई समय से बच्चा नहीं है और उसकी सौतन पनिन्ना उसको बार बार टॉर्चर करती है, बार बार उसको नेगेटिव बातों को बोलती। हो सकता है मेरी प्यारी बहनों आपके जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों कि आप भी किसी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपको काम की जगह में भी ताना सुनना पड़ रहा और घर वालों से भी आपको ताना मिलता होगा। बहुत चीज़ों को करना होगा। कई बार बच्चों के जीवन को देखकर भी माँ बाप दुखी हो जाते, डिस्करेज होते। कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को इतना नेगेटिव बोल जाते कि बच्चे शैतान के डिस्करेजमेंट को समझ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते और बच्चे इतना डिस्करेज हो जाते कि कई बच्चे अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा है। मैं सिस्टर ज्योति आपको बताना चाहती हूँ एक घटना के साथ में कैसे दुष्ट जीवन में काम करता है। मैं जब 2009 या 2010 में जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई करके मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो मुझे मेरी ड्यूटी लगी थी वन डिपार्टमेंट। और वन डिपार्टमेंट जब मेरी ड्यूटी लगी, एक लड़की पूरी तरह से जल कर आई थी और जल के आने के बाद जब उसका केस शीट मेरे पास आया, मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा हैरान लगा। उस समय मैं प्रभु में नहीं थी और आपको बता रही हूँ उस समय की बात, 2009 या 2010 के समय की बात है। मैंने उस लड़की का जब ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर के साथ गई थी तो मैं जब उसका ड्रेसिंग कर रही थी मैं खुद डर गई थी, क्योंकि उसका चेहरा इतना बुरी तरह से जला हुआ था, देखने लायक नहीं था। पर जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात किया कि आपकी बेटी ने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी और इनके दोस्तों ने कहा कि तो मैट्रिक में फेल हो गई, लेकिन जब अगले ही दिन रिजल्ट इन्होंने देखा तो उनकी बेटी टॉप नंबर पर पास थी। और ये लड़की अपने फ्रेंड सर्कल की बातों को सुनकर बाथरूम में खुद को किरोसिन तेल लगाकर उसने आग लगा ली। कुछ समय तड़पने के बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद वो लड़की ख़त्म हो गई, समाप्त हो गया उसका जीवन। देखिए ध्यान देने वाली बात है, आज मैं उन चीज़ों को सोचती और समझती हूँ। मैं सिस्टर ज्योति आपको एक चीज़ करना चाहूँगी, कैसे शैतान लोगों के द्वारा भी आपको डिस्करेज करता है, कैसे आपके कलीग के द्वारा, कैसे आपके अपने प्रियजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, हर एक जगह से आपको डिस्करेज करना की कोशिश करता है और लोग इस डिस्करेज को समझ नहीं पाते और अपने जीवन से भी हाथ को धो बैठते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर को अगर जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को आपने चखा है, तो समझ लीजिए जीवन के कितने भी तूफान क्यों ना हो, इन तूफानों से परमेश्वर आपको विजय देगा। पर यह तब होगा जब आप विश्वास की ढाल पकड़ोगे। संत पौलुस ढाल को विश्वास के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हन्ना जो अपनी शौतन पनिन्ना के द्वारा बहुत सताई जा रही थी, बहुत उसे नेगेटिव बातें की जा रही थी, उसको कई टाइम से बेबी नहीं था और काफ़ी उसको टॉर्चर शैतान पनिन्ना के थ्रू कर रहा था। पर क्या हन्ना इतने नेगेटिव टॉर्चर होने के बाद, इतने दुख में, उसको इतने ताना, इतनी सारी बातें तो सुनने के बाद, क्या हन्ना ने सुसाइड करा? क्या हन्ना ने शैतान को विजय होने दिया? नहीं। आप ध्यान देना, हन्ना टॉर्चर हो रही थी, उसके ऊपर सताव था, वो सुन रही थी, काफ़ी ताना सुन रही थी, उसको बच्चे काफ़ी समय से नहीं, काफ़ी लंबे समय से उसको बच्चा नहीं था, लेकिन उसको विश्वास था। वो विश्वास की ढाल लेकर वो परमेश्वर के भवन में, यरूशलेम के मंदिर में निरंतर जाती रही, निरंतर वो दुआएं करती थी, निरंतर वो उपवास करती थी। और खुदा ने एक समय ऐसा आया कि खुदा ने हन्ना के शब्दों को बदला, पवित्र आत्मा ने उसके शब्दों को बदला और जब हन्ना ने दुआ करी तो परमेश्वर के दास एली ने उससे कहा कि जा, तुझे यहोवा मन चाहा वर दे। और हम और आप देखते हैं कि हन्ना को परमेश्वर ने शामिल जैसे भविष्यवक्ता से आशीषित किया, शामिल हन्ना का बेटा कहलाया।
उसे परमेश्वर ने सामुएल जैसे एक बच्चा दिया जो आगे चलकर एक नबी और भविष्यवक्ता कहलाए। आपको भी आज मैं इंकरेज करती हूँ, आपको भी आज मैं प्रभु यीशु मसीह में उत्साहित करती हूँ। अगर बच्चे नहीं है ना तो भी विश्वास के साथ दुआ करो, क्योंकि विश्वास की ढाल से जब आप ढाल लेकर प्रार्थना करते हैं तो खुदावन एक समय रखता है और उस समय पे वो आपको ब्लेसिंग देगा। अगर घर के हालात ठीक नहीं है तो भी दुआएं करो और कहो, खुदा ये घर तेरा है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बिजनेस, मेरी सब कुछ तेरे है खुदा। जब आप प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं तो खुदावन आपको हर प्रकार से सामर्थ्य भी देगा और वहां से निकलने के लिए आपकी सहायता भी करेगा। समस्याओं को देख करके, शैतान के जलते हुए तीरों को देख करके ना भागे, धराशाही ना हो, बल्कि उस शैतान के जलते हुए तीरों को परमेश्वर के वचन के साथ उसको क्या करो, काट डालो। क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ वचन का हथियार भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 6:13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जब सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्या कह रहा है संत पौलुस कि प्रार्थना के साथ वचन का तलवार। आप शैतान ना आपसे भी अधिक चीजों को जानता है, वो भी वचन को जानता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं और उसका इस्तेमाल हमें किस सिचुएशन पे करना ये खुदा आपको सिखाएगा। पर सुन लीजिए, विश्वास की ढाल के द्वारा, आप विश्वास की ढाल के साथ जब युद्ध में जाते हो तो परमेश्वर आपको विजय करता। हन्ना ने भी विश्वास की ढाल ली, क्योंकि हन्ना को पता था कि जो जीवित परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया, मुझे यहाँ रखा, वो मुझे जरूर संतान देगा। जिसने मेरा विवाह कराया वही मुझे संतान भी देगा। जब आप इस तरह का विश्वास अपने अंदर रखते हैं तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं पर आपको विश्वास का ढाल पकड़ना है। अगर आप ध्यान दो, दाऊद ने भी गोलियत को विश्वास की ढाल से ही तो मारा। दाऊद ने क्या कहा था, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। गोलियत जो शैतान क्या सोच रहा था, हाँ ये बच्चा 17 साल का बच्चा जिसके गालों से लाली टपकती है वो मुझे क्या मारेगा, वो मुझे मार नहीं सकता। लेकिन दाऊद को विश्वास था कि वो युद्ध जो करने जा रहा है वो विश्वास की ढाल यानी यहोवा परमेश्वर उसके साथ है और वो जीवित परमेश्वर के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से जाता है और एक ही पत्थर के द्वारा शैतान गोलियत को भी मार डालता है। आप देखे होंगे, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, अगर विश्वास की ढाल आपके साथ है, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपके हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को परमेश्वर बनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे जिस परीक्षा में है उस परीक्षा से उसे कैसे निकालना है। यीशु के जीवन को अगर देखें, मैं किसी दूसरे के दूसरा का उदाहरण नहीं दूंगी, मैं बाइबल के ही वचनों से आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। यीशु के भी जीवन में देखो, उसके जीवन में दुष्ट ने कैसे काम किया। उसकी माँ चली गई, बाप से अलग कर दिया, भाइयों ने उसे मारा पीटा, मिस्र भेज दिया, पोतीपर के घर में गुलामी खटी, वहाँ से व्यभिचार का ब्लेम लगा और जेल में रहा। शैतान ने हर प्रकार से यूसुफ को मारा, ताना मारा, हर प्रकार से यूसुफ की हानि करने की कोशिश करी, पर क्या यूसुफ के विश्वास को, उसके ढाल को उसने हिला पाया? नहीं हिला पाया। वो विश्वास की ढाल परमेश्वर के दर्शन को देकर चलता चला गया और 30 साल की उम्र में, आप बाइबल में पढ़ना, 30 साल की उम्र में यूसुफ मिस्र का मुख्य सेनापति बन गया। पूरे ऊपर मिस्र के ऊपर राजा के बाद अगर कोई था तो वो यूसुफ ही था। उसे पूरा राजा की तरह अधिकार दिया गया, विश्वास की ढाल पर वो चला। मेरे प्रियो, अगर आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप कब का निराश हो जाते, हो सकता आप व्यभिचार में पड़ जाते, हो सकता आप अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे। लेकिन ध्यान देना और सीखना,
खुदावंद ने इतने सारे लोगों के द्वारा हमें बताया कि कैसे वो विश्वास की ढाल लेकर शैतान के चलते हुए तीरों को उन्होंने बुझाया। आज परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है कि परिस्थितियों को देखकर निराश मत होइए, बल्कि इन परिस्थितियों से कहिए कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। और जब आप प्रार्थना के साथ वचन को लेते हैं तो आप शैतान के चलते हुए तीरों को मार सकते हैं, और वो भी विश्वास की ढाल के साथ। आमीन। आप विश्वास करोगे तो खुदा कहता है, जो भी मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े कामों को करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आज इस छोटे से संदेश और वचन के द्वारा आपको इनकरेज करती हूँ, परिस्थिति कैसे भी हो विश्वास की ढाल को लेकर चले, और परिस्थितियों को ना देखे वरन उसे देखे जो इस संसार को और मुझे और आपको बनाया है। उस जीवित परमेश्वर को देखकर चलोगे तो परिस्थितियाँ छोटी लगेंगी। खुदा के कलाम को लेकर चलोगे, पढ़ोगे तो हर प्रकार की सिचुएशन से आप विजय हो जाओगे। मालूम है मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम यूं ही यहोवा निशी नहीं रखा गया, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही विक्ट्री दे दी। कलवरी क्रूस पर उसने हमें विक्ट्री दे दी है। मेरे प्रियो, आपको मैं इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि खुदा के कलाम के साथ रहें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, वचनों को पढ़ें, उपवास करें, और हर सिचुएशन से विक्ट्री लेने के लिए खुदा से प्रार्थना करें। वो खुदा आपको पहले से विक्ट्री दिया है, पर यह मेरे और आपके ऊपर है कि इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में हम कितना विश्वास करते हैं। हन्ना से सीखे, यूसुफ से सीखे, दाऊद से सीखे, कैसे इन्होंने खुदा के विश्वास की ढाल को लेकर अपने जीवन में गए और वो वहाँ पहुँचे जहाँ खुदा ने उसका मंजिल रखा था। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, विश्वास की ढाल लेकर चलें। विश्वास की ढाल ही आपको आपके हर परिस्थिति में विजय देगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सिस्टर ज्योति और स्तर प्रार्थना मंडली के साथ सीओजी चर्च के भाई डेविड जो प्रभु के दास हैं, डेविड प्रसाद खातीवाड़ा और सिस्टर डिफ्यूल की ओर से आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, ईशु।